परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जब बात आती है तब हम कहते हैं कि सेंटेंस के लास्ट में चुका है। सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे? चुका है से। लेकिन यहां पर एक सेंटेंस और लिखा हुआ है, मैंने खाना खा लिया है। अब यह कौन सा टेंस होगा? बिल्कुल सही समझे आप, सिर्फ चुका है से हम नहीं पहचानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचानने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि कोई घटना जो पास्ट में घटित हुई है लेकिन उसका प्रभाव अभी तक है। जनरली हिंदी में ऐसे सेंटेंस लिखे जाते हैं चुका है के साथ में, मैं खाना खा चुका हूँ। यहाँ तो आपने बिल्कुल सही पहचाना, किसी सेंटेंस के लास्ट में चुका हूँ आता है तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। बट मैं आपको ये भी समझाना चाहता हूँ कि जब नियर बाय पास्ट में या भूतकाल में कोई भी घटना घटित होती है और उसका प्रभाव अभी तक है तब आप प्रयोग करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए अब देखते हैं इसके सेंटेंस हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। यहां पर दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, मैं खाना खा चुका हूं। अब यहां पर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं, उसने खाना खा लिया है। जी हां, ये दोनों प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज होंगे। मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड। यहाँ पर अगर आप फूड नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा क्योंकि हम खाना ही खाते हैं। सो मैं सिर्फ यहाँ पर लिखता हूँ आई हैव ईटन। सेंटेंस इसका कैसे बना है? सबसे पहले आपने लिया है सब्जेक्ट आई, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट आई। उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब ली है हैव और उसके बाद ईटन। ईटन क्या है? ईटन है आपका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बट इसको सही तरीके से अगर समझें तो हम क्या कहेंगे इसको? पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल आएगी। पास्ट पार्टिसिपल को ही हम वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस के लिए है, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है, आई हैव ईटन। दूसरा बना करके देखते हैं। दूसरे सेंटेंस में यहां लिखा हुआ है उसने खाना खा लिया है। सब्जेक्ट क्या है? उसने ही has eaten, he has eaten। सेम स्ट्रक्चर यहां पर भी है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। नाउ एक चीज यहां पर कुछ बदल गई है। क्या बदल गई? has। अगर आपको याद होगा हमने I के साथ में have लगाया था बट यहां पर हमने he के साथ has लगाया है। अब थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि हैज़ किसके साथ आएगा, हैव किसके साथ आएगा। एक बार मैं आपकी कन्फ्यूजन थोड़ी सी दूर करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल ही सी इट और किसी का नाम और सिंगुलर सब्जेक्ट में आ गया आपका बॉय। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। इन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आप हरदम हैज का प्रयोग करेंगे। इसको आप लिख भी सकते हैं ही सी इट नेम बॉय। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इनके साथ आप हैज का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, आपका सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आ सकते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट में आ सकते हैं वी यू
दे और आई भी आता है इनके साथ में. वी यू दे आई और बॉयज इनके साथ में आप प्रयोग करेंगे हैव. तो यहां पर आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में हैव का प्रयोग करेंगे. तो ये हमने बनाए अफर्मेटिव सेंटेंसेस. अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बाद में हम बनाएंगे निगेटिव सेंटेंसेस. निगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? निगेटिव सेंटेंसेस में ना जुड़ा हुआ होता है हिंदी में. मैं खाना खा चुका हूं. यह आपका क्या है? अफर्मेटिव. अब निगेटिव कैसे बनाएंगे? मैं खाना नहीं खा चुका हूं. नहीं खा चुका हूं. ये देखिए यहां पर क्या आ गया? निगेटिव. नहीं. इसका बिल्कुल जैसे आपने अफर्मेटिव बनाया है बिल्कुल वैसे एक बार फॉलो करेंगे. आई हैव. ठीक है. अब यहां पर आप इसके साथ में नॉट लगाएंगे. आई हैव नॉट ईटन. तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल. ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा. अब अगर आप बनाना चाहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, वह खाना नहीं खा चुका है. हम हिंदी में कॉमनली या जनरल भाषा में क्या बोलते हैं? उसने खाना नहीं खाया है. बिल्कुल ये भी बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट में. इसको बनाते हैं. तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है आपका? ही. अब थोड़ा सा आप पीछे जाइए. ही के साथ में हमने क्या बात करी थी? कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए? हैज. ही हैज नॉट ईटन. सिंपल है. अब हमने निगेटिव सेंटेंस भी पढ़े हैं. अब क्या पढ़ेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम दो प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं. कैसे? पहला मैं आपको बताता हूं. क्या उसने खाना खा लिया है? क्या उसने खाना खा लिया है? अगर सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो तो आप अपना सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट करेंगे. इस क्या की इंग्लिश व्हाट मत बनाइए. सेंटेंस स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से. सब्जेक्ट देखेंगे थोड़ा सा एक बार. सब्जेक्ट यहां पर है उसने ही. तो ही के साथ में आएगा हैज. तो यहां पर आप स्टार्ट करेंगे हैज के साथ में. हैज ही ईटन. क्या उसने खाना खा लिया है? अब थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देखेंगे. तो सबसे पहले क्या आएगी आपकी? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल. बहुत ही सिंपल है. अब दूसरे तरीके का हम इंटरोगेटिव की यहां बात करें. क्या उसने खाना खा लिया? उसने क्या खाया है? पहले सेंटेंस अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये क्या से स्टार्ट हो रहा है, बट दूसरा सेंटेंस भी क्वेश्चन वर्ड्स के साथ में है. इंटरोगेटिव सेंटेंस है, बट यहां पर क्या है? क्या सेंटेंस के बीच में आ रहा है? डब्ल्यू एच फैमिली का कोई भी वर्ड बीच में आ रहा है. अब यहां पर इस क्या की हम पहले बनाएंगे. क्या? व्हाट. व्हाट हैज ही ईटन. उसने क्या खाया है? सेंटेंस को अगर बहुत ध्यान से देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा पहला वाला सेंटेंस भी इसके अंदर है. व्हाट हैज ही ईटन. उसने क्या खाया है? उसने कहाँ खाया है?
उसने कहाँ खाया है, थोड़ा जरा इसको आप ध्यान से देखिए, कहाँ खाया है, वेयर हैज ही ईटन। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, डेली वे में हम कैसे बात कर सकते हैं, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करके हम डेली वे में कैसे बात कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या उसने खाना खा लिया है, इस सेंटेंस का आप क्या आंसर दे सकते हैं, इस सेंटेंस के दो आंसर हो सकते हैं, क्या उसने खाना खा लिया है। यस, पहला आंसर क्या हो सकता है, यस ही हैज ईटन, यस ही हैज ईटन। अगर आप सिर्फ ही हैज लिखते हैं इट्स ओके, नो इशू, इट इज ऑल्सो करेक्ट। दूसरा आप क्या बोलेंगे, नो ही हैज नॉट ईटन। आप दो ही तरीके से तो आंसर दे सकते हैं, या तो आप पॉजिटिव में देंगे या तो आप आंसर निगेटिव में देंगे। क्या उसने खाना खा लिया है, यस ही हैज ईटन, नो ही हैज नॉट ईटन। अगर आपको क्वेश्चन पूछना हो क्या उसने खाना खा लिया है, तो आप क्वेश्चन पूछेंगे हैज ही ईटन। नाउ नेक्स्ट।